हेलो व्यूवर्स, रमजान स्पेशल में आज हम पत्ता गोभी की भजिया बनाएंगे। भजिया अगर कुरकुरी ना बने तो मज़ा ही नहीं आता। चलिए आज के वीडियो में परफेक्ट क्रिस्पी भजिया बनाने का तरीका देखते हैं। 300 ग्राम पत्ता गोभी लेंगे, लंबा लंबा बारीक बारीक काटें। प्याज की भजिया के लिए भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है। लंबी लंबी थिन स्लाइसेस काटें। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा। खड़ा जीरा कोई भी टाइप की पकौड़ा बनाएं ज़रूर डालें, ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अगर और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए तो पकौड़े में 1/2 टीस्पून अजवाइन या कलौंजी डाल दें, मस्त लगता है। अच्छे से मिला लें और 10 मिनट तक छोड़ दें। नमक से पत्ता गोभी पानी रिलीज करेगी और क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। अब डालेंगे बाकी इंग्रेडिएंट्स। 1 टीस्पून हरी मिर्च दरदरा पीसना, थोड़ा सा कोतमीर, 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर, ये 1/2 टीस्पून का चम्मच है, 2 बार लेंगे। 300 ग्राम पत्ता गोभी में 1 कप बेसन काफ़ी है, एकदम अच्छे से मिला लें। नमक की वजह से पत्ता गोभी ने पानी रिलीज किया है, हार्डली 2 से 3 टीस्पून पानी और लगेगा। वीडियो एंड तक देखें। पकोड़ा फ्राई करने का भी एक तरीका होता है जिससे पकोड़ा बहुत क्रिस्पी बनता है। 3 टीस्पून पानी मैंने डाला है, पानी आप अपने हिसाब से डालें, मतलब कंसिस्टेंसी ऐसी रहेगी, एक तो बेसन पत्ता गोभी को एकदम अच्छे से कोट कर ले और छुट्टा छुट्टा रहे। बहुत ज़्यादा बेसन भी ना ले, उससे पकोड़ा एकदम सॉगी बनता है। अच्छे से मिलाने के बाद हम फौरन इस बैटर को फ्राई कर लेंगे, मतलब बेसन तभी डालें जब आपको पकोड़ा फौरन फ्राई करना हो। तेल को एकदम अच्छे से गरम कर लेंगे, जब अच्छे से गरम हो जाए तब गैस को मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। छुट्टा छुट्टा करके पकोड़े को तेल में हम फ्राई करेंगे। जैसे ही सारा पकोड़ा डाल देंगे गैस को तेज आंच पे कर देंगे। जब एकदम अच्छे से दोनों तरफ से गोल्डन हो जाए तब टिश्यू पे निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा भजिया को चलाने की ज़रूरत नहीं, बस एक बार ऊपर नीचे कर दें। जो पकोड़ा ऐसा लग रहा है कि हो गया है उसको निकाल लें। अब दूसरा बैच ऑफ बैटर डालेंगे। 300 ग्राम कैबेज में आराम से 4 लोग खा सकते हैं। वेरिएशंस अगर आपको करना है तो आप चाहे पत्ता प्याज, शैम्पू, मेथी, पालक, कोई भी सब्जी कोतमीर की जगह पर डाल सकते हैं। बस तरीका यही रखना, मस्त क्रिस्पी पकौड़ा बनेगा। कैमरा में थोड़ा इश्यू होने की वजह से बहुत क्लियर वीडियो नहीं आया है। ऊपर से सूखी लाल मिर्च की चटनी स्प्रिंकल करेंगे और गर्मा गर्म सॉस या चटनी के साथ खाइए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।